गुड मॉर्निंग जय हाउ आर यू ऑल गुड जी बहुत अच्छा जय मैंने ये पहला जैकेट आपका देखा था जो आपने वो गेंज जूते 1937 1940 19 कैरली वाला जो था या मैं एक फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ आई एम हैप्पी इन ऑल कंडीशन कल मुझे था ये क्या जूते ये क्या जूते Let's get a big hand for him. मैंने कुछ सिखा दिया कि मैं अपनी नजरों में इतना ऊपर उठ गया हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता यार मैं भीख मांग रहा हूँ या मैं कार में घूम रहा हूँ आई डोंट केयर मैं यहाँ पे भी घुस गया मैं वहाँ पे भी घुस गया मुझे ये मिले वो मिले आई एम हैप्पी बहुत दो तरीके होते हैं हमारे पास एक्ट करने के एक है हम खुश होने के लिए एक्ट करें यानी कि एंट्रेंस क्रैक करना है वो हो जाएगा तो मैं खुश नहीं हुआ तो मैं परेशान हूँ ये पर्सन मुझे मिल जाना चाहिए ये मिल गया तो मेरी लाइफ सेट है नहीं मिला तो मेरी जिंदगी झंड है ऐसे ही हम जीते हैं तो ये एक तरीका है जिंदगी को जीने का यानी कि खुश होने के लिए काम करो खुश होने के लिए काम करके कुछ अचीव करो वो अचीव कर लिया तो खुश हो जाओ कुछ देर के लिए फिर दुखी हो जाओ क्योंकि फिर कुछ और अचीव करने में लग जाओ फिर भागो ये एक तरीका है यानी खुश होने के लिए स्ट्रगल करते रहो मरते दम तक पहले किसी से जुड़ने की स्ट्रगल फिर उससे पीछा छुड़ाने की स्ट्रगल पहले पटाना है उसके बाद में पीछा छुड़ाना है यही चलता रहता है अब क्या करूं अब उससे अलग तो होना चाहता हूं लेकिन अलग हो नहीं सकता अब मैं क्या करूं मैं फंस गया हूं मतलब यहीं पे फंसे रह जाते हैं समझ आ रहा है ना शुक्र है अब समझ आना शुरू हुआ ठीक है इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है दुख कि मैं दुखी हूं अभी मैं इनकम्प्लीट हूं अभी मैं बेवकूफ हूं अभी मैं अनसक्सेसफुल हूं तो मुझे सक्सेसफुल होने के लिए मुझे कंप्लीट होने के लिए मुझे ये बनने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा वो हो गया तो मैं दुनिया की नजरों में उड़ जाऊंगा या उड़ जाऊंगी नहीं तो मैं गिर जाऊंगी ये एक तरीका है दूसरा तरीका क्या है इफ यू अंडरस्टैंड डीपली हु यू आर तो वहां से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाता है अब आपको खुश होने के लिए और कुछ नहीं चाहिए आप खुश हो इसी मोमेंट में खुश हो चाहे कुछ करो या ना करो अब उस खुशी से एक्ट करो मतलब आप 24 घंटे खुश रहो और खुशी खुशी कुछ करना है तो करो नहीं करना तो मत करो किसी के बाप का कर्जा देना है सोचो समझ गए ना करना है तो खुशी से करो नहीं करना तो खुशी से मत करो अभी जो दूसरा वाला तरीका है वहां पर जिस तरह से दुनिया जी रही है वहां पर दोनों ही जगह पे आप खुश नहीं हो सकते कुछ करोगे वहां पर भी कॉम्पिटिशन है लड़ाई झगड़ा है मारकाट है ये है वो है तो जैसे ही कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा होगा वहां पर दुखी होते रहोगे दूसरा अगर आपको बोल दिया जाए कि कुछ नहीं करना है कुछ टाइम तक वहां पे और ज्यादा दुखी हो जाओगे क्योंकि माइंड रेस्टलेस हो जाएगा तो लोग कुछ करने में भी दुखी हैं क्योंकि जब करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती है तो वहां भी दुखी हो जाते हैं कुछ नहीं करने में और ज्यादा दुखी हो जाते हैं उनको बोला जाए ना आपको कुछ नहीं करना 10 दिन के लिए यहां पर बैठ जाओ मेरे साथ में मेडिटेशन कैंप है बस बैठे रहो चुपचाप 10 मिनट में आपकी हवा टाइट हो जाएगी ये क्या हो रहा है मेरे माइंड में कैसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं समझ गए तो ना लोग चैन से सो पा रहे हैं ना चैन से उठ करके काम कर पा रहे हैं किस वजह से क्योंकि फाउंडेशन ही गलत है ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है घर का जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो सारा स्ट्रक्चर ही बेकार है वहां से शुरुआत ही यहां से करी जाती है कि तुम बेवकूफ हो और तुमको कुछ करना है हमारी नजरों में उठने के लिए तो शुरुआत ही दुख से हो रही है जैसे एक बिल्डिंग की फाउंडेशन ही अगर खराब है या एक कोई पेड़ है उसका बीज ही कड़वा है तो उस पेड़ में से आप कुछ भी कर लो कड़वा ही रहेगा जैसे नमक है उसको आप कहीं भी किसी भी चीज में मिला दो दूध में मिलाओ पानी में मिलाओ कोल्ड ड्रिंक में मिलाओ जिसमें मिलाओगे वो भी नमकीन हो जाएगा ये नमक दुख के जैसा है और चीनी को आप जहां मिलाओगे वहां पर मजा आ जाएगा तो शुरुआत लाइफ की होनी चाहिए मिठास से इन दिस वेरी मोमेंट वेदर आई एम डूइंग समथिंग और आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग आई एम फिल्ड विद हैप्पीनेस 24/7 यहां से आपकी शुरुआत होनी चाहिए कभी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब चाह करके भी आप कुछ कर नहीं पाते हो फिजिकली कोई प्रॉब्लम आ गई हेल्थ से रिलेटेड 10 दिन के लिए बेड पे पड़े हुए हो तो मजा आ रहा है उसमें खुश